हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। मैं हूँ शशि मिश्रा, मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि स्पेशल मैं आप लोगों के लिए मिल्क शेक लेकर आई हूँ, जो है 3 इजी मज़ेदार फ्लेवर्स के मिल्क शेक, जो मैं आप लोगों को एक एक करके बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो पहला मिल्क शेक है बनाना एप्पल मिल्क शेक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया एक बनाना, एक एप्पल, और बिल्कुल मिल्क है जो चिल्ड मिल्क है, बिल्कुल फ्रिज का ठंडा दूध, चीनी और कुटी हुई इलायची पाउडर। तो हम एप्पल को अच्छे से छील लेंगे और बनाना को भी छील लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, मैंने छिलके हटाकर इसको छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे। वो चलिए हम लेंगे ब्लेंडर, उसमें डालेंगे दूध, एप्पल, बनाना, कुटी हुई इलायची पाउडर। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और डालेंगे चीनी, चीनी की जगह पे आप हनी भी डाल सकते हैं। और इसे हमें स्मूथ सा मिल्क शेक बनाकर तैयार करना है। बनाना एप्पल मिल्क शेक रेडी है। अब इसे एक सर्विंग ग्लास लेकर उसमें पोर करेंगे। आप लेंगे सर्विंग ग्लास और इसमें हम बनाना और एप्पल मिल्क शेक को पोर करेंगे। ये देखिए, बनाना एप्पल मिल्क शेक रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारा दूसरा मिल्क शेक, ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक। हमारा ये है दूसरा मिल्क शेक। दूसरा मिल्क शेक है ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड मिल्क लिया है। काजू, बादाम और अंजीर को 15 मिनट के लिए मैंने पानी में सोख करके ले लिया है। और ये है पिस्ता, इसको भी मैंने भिगो दिया था, यानी सोख कर दिया था, और छिलके हटा दिए हैं मैंने इसके, और बादाम के भी छिलके हटा दिए हैं। और ये है किशमिश, चीनी, चीनी की जगह पे आप हनी भी डाल सकते हैं। और ये कुटी हुई इलायची है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप लेंगे ब्लेंडर और उसमें डालेंगे काजू, पिस्ते, अंजीर, किशमिश, बादाम और चीनी, और बिल्कुल ठंडा दूध, इलायची पाउडर। और इसे हमें अच्छे से ब्लेंड करना है जब तक ये स्मूथ सा मिल्क शेक नहीं बन जाता। अब हम डालेंगे इसमें घर की निकली हुई मलाई, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इसे इसका टेस्ट और ही अच्छा आएगा। और 2 से 3 बार और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देखिए, हमारा ड्राई फ्रूट मिल्क शेक रेडी है। अब इसे सर्व लेंगे हम सर्विंग ग्लास और इसमें पोर करेंगे। तो ये लीजिए, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक रेडी है, अभी एंजॉय कीजिए। अब बनाते हैं हमारा अगला मिल्क शेक। आप चाहे तो खजूर मिल्क शेक यानी कि डेट्स मिल्क शेक भी बना सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, छुआरा पड़ा हुआ है, तो इससे आप बना सकते हैं छुआरा मिल्क शेक। तो हमारा ये तीसरा मिल्क शेक है, छुआरा मिल्क शेक यानी ड्राई डेट्स मिल्क शेक। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। बनाने से पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पर मैंने छुआरे मेरे पास पड़े हुए थे, इसको मैंने आधे घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगो दिया था। इसके जो बीज है मैंने निकाल दिया है। किशमिश डालेंगे, चीनी डालेंगे, कुटी हुई इलायची पाउडर और बिल्कुल चिल्ड मिल्क डालेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम डालेंगे छुआरे, किशमिश, चीनी और डालेंगे कुटी हुई इलायची। आप चीनी की जगह पे हनी भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल चिल्ड मिल्क डालेंगे। इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक ये स्मूथ सा मिल्क शेक बनकर रेडी ना हो जाए। तो ये देखिए, हमारा छुहारा मिल्क शेक रेडी है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो हम लेंगे एक सर्विंग ग्लास और उसमें इसे हमें पोर करना है। तो आप भी हेल्दी और डिलीशियस छुहारा मिल्क शेक जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्दी है ये। इस नवरात्रि आप एक बार इसे ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज की रेसिपी कैसी लगी है। इसे थोड़ा काजू और बादाम से गार्निश कर देंगे। थोड़े से डालेंगे पिस्ते, थोड़ा केसर के धागे,
तो आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।